पेज नंबर 29 वही प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने आपको एक चार्ट की सूरत में बता दी थी। इसके बाद पेज नंबर 30 पे काइनेटिक थ्योरी है, तो आपने ये 6 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। 6 पॉइंट्स आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, वही काइनेटिक थ्योरी है जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर जो है वो आ जाए पेज नंबर 39 के ऊपर। पेज नंबर 39 पे जो लास्ट पैराग्राफ है, इसी लास्ट पैराग्राफ को पूरा मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वही एब्सोल्यूट जीरो और जीरो डिग्री ऑफ द एब्सोल्यूट स्केल वाली चीज़ें मौजूद हैं, तो इसको मार्क कर लें, ये पेपर के अंदर आया हुआ है। इसी तरह पेज नंबर 41 एवोगाड्रोज़ लॉ लिखा हुआ है, इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पैराग्राफ बेस्ड ऑन द एवोगाड्रोज़ लॉ, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें। इसी तरह अगर बात की जाएगी, अच्छा आपने उसकी जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट्स तो आपने जाहिर सी बात है याद रखनी है, ग्राहम्स लॉ इन सब की स्टेटमेंट्स तो आपने लाजमी तौर पर याद रखनी ही है। इसी तरह अगर बात की जाएगी तो पेज नंबर है 51, पेज नंबर 51 में आइडियल गैसेस की हेडिंग डली हुई है, ये पूरा पैराग्राफ मार्क कर लें 51 पे, जो आइडियल गैसेस की हेडिंग है उसको पूरा मार्क कर लें। पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 पे जो चार्ट दिया हुआ है विस्कोसिटी लिक्विड वाटर इथाइल अल्कोहल ग्लाइसरीन ये वाला, और पेज नंबर 55 पे जो चार्ट दिया हुआ है ये आपने नहीं करना है, ठीक है। ये आपने नहीं करने हैं चार्ट, उनको याद मत कीजिएगा, ये चार्ट्स नहीं करने हैं। और इसके साथ ही पेज नंबर 57 की बिल्कुल लास्ट लाइन, थस इट इज सेड दैट एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ये पेपर के अंदर आया है। पेज नंबर 59 अभी हम चेंज ऑफ स्टेट पढ़ेंगे वैसे, लेकिन पेज नंबर 59 में पांचवी हेडिंग सबसे लास्ट में सबलिमेशन, सबलिमेशन में जो एग्जांपल्स हैं उनको याद कर लीजिएगा, पेपर में आती हैं। पेज नंबर 60 पे क्रिस्टलाइन अमॉर्फस की डेफिनेशंस याद करनी होंगी, इसका डिफरेंस है तो वो भी देख लीजिएगा। और आइसोमॉर्फिज्म पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 पे आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो मींस सेम एंड मॉर्फिज्म मींस शेप, कि अगर हम आइसोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो आइसो मींस, आइसोमॉर्फिज्म की अगर बात की जाएगी तो आइसो मींस सेम एंड मॉर्फ मींस शेप, जब दो सब्सटेंसेस का सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात की जाएगी कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो पॉली मींस मैनी एंड मॉर्फिज्म मींस शेप, जब एक स्ट्रक्चर जो है वो कई एक से ज़्यादा शक्लों के अंदर मौजूद होगा तो उसे हम फिर पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इनके डेफिनेशन और साथ में जो एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 64 पे और 65 पे, ये दोनों आपने करनी है, ठीक है, ये दोनों ही करनी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल के डेफिनेशन पेपर में आई हुई है, यूनिट सेल आपने याद करना है, और जितने भी ये स्ट्रक्चरल सिस्टम्स लिखे हुए हैं ना, क्यूबिक सिस्टम, टेट्रा गोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ये सब आपने याद करने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं पेपर के अंदर, इसमें से कोई सा भी आपका आ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, या तो वो एग्जाम्पल्स दे के पूछ सकते हैं, या फिर आपको कंडीशंस दे देगा कि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यूबिक सिस्टम का होता है। एग्जाम्पल्स, कंडीशंस और सिस्टम्स, तीनों चीज़ें याद रखिए।
तो यहाँ तक मैंने तो मार्क करवा दिया है। इसके बाद हम जो है वो एक जो मैंने कहा था कि स्टेट्स हम पढ़ेंगे, स्टेट्स जो है वो ये रही। यानी कि स्टेट्स चेंज, चेंज ऑफ स्टेट हम इसे कह सकते हैं कि इस चेंज ऑफ स्टेट किस तरीके से हो रहे हैं। आसान सी फिगर है, इम्पॉर्टेंट फिगर है ये कि अगर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखें, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड जो है वो गैस के अंदर चेंज हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो लिक्विड में और लिक्विड जो है वो गैस के अंदर तब्दील हो रहा है। इसी तरह अगर गैस की बात की जाएगी तो गैस को हम कूल कर रहे हैं, यानी हीट नहीं देंगे उसको, ठंडा करेंगे, लिहाजा वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। और जब लिक्विड को कूल करेंगे तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में चला जाएगा। अब यही हीटिंग और कूलिंग के जो प्रोसेसेस हैं हम इनको कुछ नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ सॉलिड की बात करूँ और ये सॉलिड लिक्विड के अंदर तब्दील हो रहा है तो इसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, ऐसे हम कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। ऐसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन या मेल्टिंग का प्रोसेस। अगर हम सॉलिड को फ्यूज़ या मेल्ट करेंगे तो वो क्या बनाएगा, फिर लिक्विड की स्टेट बनाएगा। इसी तरह अगर हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जा रहे हैं या वेपर के फॉर्म में जा रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेपराइजेशन का प्रोसेस करेंगे। इसका प्रोसेस करेंगे वेपराइजेशन का, कि हम लिक्विड को वेपराइज़ करेंगे गैस की स्टेट में या वेपर की स्टेट में, तो इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन का प्रोसेस करेंगे। अगर हम वापस गैस से हमें जाना है वापस लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है, हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस गए थे, अब हमें वापस जाना है गैस से लिक्विड की फॉर्म में, तो जब हम गैस से लिक्विड की फॉर्म में जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को, यानी ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस। और जब हमें वापस लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में जाना है तो हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग या फ्रीजिंग का प्रोसेस, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग का प्रोसेस हम कर रहे होंगे सॉलिड की फॉर्म में अगर हमें जाना होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सबलिमेशन की और कंडेंसेशन की, यानी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, गैस की फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं सबलिमेशन, ठीक है। जो सॉलिड्स होते हैं लाइक आयोडीन, तो उनको वो अगर डायरेक्टली सॉलिड से गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सबलिमेशन का प्रोसेस। और अगर गैस को हमें सॉलिड के अंदर तब्दील करना है तो अगेन हम वही कंडेंसेशन वाला प्रोसेस करेंगे, कि हम गैस को कंडेंस करेंगे तो वो लिक्विड में की फॉर्म में जाएगा और फिर उसके बाद वो किस फॉर्म में चला जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें गैस को सॉलिड की फॉर्म में करना है तो अगेन वही प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कि हम उसको कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन करेंगे, इसके बाद वो क्या बन जाएगा, लिक्विड, और उसके बाद क्या बन जाएगा, सॉलिड, ठीक है। तो ये थी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। ये तमाम डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, सब पेपर के अंदर आती है।